हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल पे। तो बच्चों, हमने थियोरिटिकल पॉइंट्स तो सारे कंप्लीट कर दिए ये चैप्टर के, लेकिन 4.8 से हमारे एक्सरसाइज बाकी थी, तो इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यह सुन लो, पहले हमारी जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है 4.8 टू 4.13 वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जहां से हमारे सॉल्व एग्जाम्पल बाकी था, आई थिंक वो भी 4.8 से बाकी था, तो उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चले, तो क्वेश्चन नंबर 4.8 आपको दिया गया है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ए फाइव लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स। बच्चों ध्यान से देखो, फाइव लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स बोला है, मतलब कि यहाँ पे एक वाइंडिंग नहीं है, एक वाइंडिंग नहीं, ऐसे पांच लेयर बनाए गए हैं। लेयर यहाँ पे पांच बनाए गए हैं और हर एक लेयर में कितने टर्न्स है? 400। तो यहाँ पे देखो, एक लेयर में 400 टर्न्स है, तो पांच लेयर में कितने होंगे? 5 × 400 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम निकालना चाहे तो, ठीक है? तो समझ में आ रहा है। द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, देन एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। मतलब कि उसकी एक्सिस पे जो भी होगा वही हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यस और नो? तो बच्चों सीधा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे सोलेनोइड वाला केस दिया गया है, तो सीधा सा आप यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, बी इज इक्वल टू मुन्नी, मतलब कि म्यू जीरो एन आई, क्लियर है? लेकिन उससे पहले यहाँ पे ना स्मॉल एन कंप्यूट कर लेते हैं। ध्यान से देखना स्मॉल एन क्या होगा ये वाले केस में। स्मॉल एन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो क्या होता था? वो कैपिटल एन बाई एल होता था। याद करो थोड़े वो दिन, यस और नो? कैपिटल एन बाई एल, ये कैपिटल एन बाई एल होगा, यस और नो? लेकिन यहां पे क्योंकि ऐसा एक लेयर नहीं है, अगर मैं एक लेयर होता तो मैं यहाँ पे सीधा एन लिखता, यस और नो? लेकिन यहाँ पे तो टोटल फाइव लेयर्स है ना, टोटल पांच लेयर है, एक लेयर में 400 टर्न्स है, तो पांच लेयर में 5 × 400 टर्न्स हो गए, मतलब कि यहाँ पे मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा ना, क्योंकि कैपिटल एन तो सिर्फ एक लेयर में टर्न है, ऐसे तो पांच लेयर है ना, तो 5 × n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, डिवाइड बाय लेंथ, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 5 × 400 डिवाइड बाय लेंथ कितनी है बच्चों सोलेनोइड की? 80 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.8। अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 4 × 100 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 10। 0.8 को क्या बोलूंगा मैं? 8 डिवाइड बाय 10। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में चला जाए तो ये हो जाएगा 100। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो सॉरी 1000, मतलब कि 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, और ये 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 500 × 2 = 1000 होता है, तो ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 2500, यस और नो? 2500 इतने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? तो स्मॉल एन की वैल्यू तो हमने कंप्यूट कर ली। अभी हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, मतलब कि उसकी एक्सिस पे जो भी हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था वही सीधा यहां पे लगा दो। बी इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू जीरो एन आई, है कि नहीं? तो यहाँ पे म्यू कितना है? म्यू जीरो हमें पता है उसकी वैल्यू होती है 4 × π × 10⁻¹⁷, ठीक है? इंटू एन कितने हमने निकाला? स्मॉल एन हमने यहाँ पे कॉम्प्यूट कर लिया, दैट इज 2500, क्लियर है? दैट इज 2500 मल्टीप्लाई बाई करंट कितना यहाँ पे फ्लो कर रहा है? 8 एम्पियर का। तो बच्चों इसको आप जरा अच्छे से सॉल्व कर लो, तो हम इसको सॉल्व कर लेते। एक काम करता हूं, मैं इसको ना अच्छे से लिखता हूं, ये 4 × 3.14 × यहां पे 10⁻¹⁷ इंटू इसको मैं लिखूंगा 25 × 10⁻²✕8, ठीक है? ताकि ये 7 में से पावर को एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाए, तो इसको कैलकुलेट वगैरह कर लेते। तो 4 × आपके पास कैलसी है 3.14 × उसका मल्टीप्लिकेशन 25 के साथ इंटू 8, तो टोटल होता है 2512, टोटल होता है 2512, ठीक है? सो ये टोटल निकलेगा 2512 इंटू 10⁻¹⁷। देखो माइनस 7 में से 2 अगर हम निकाल ले तो ये हो जाएगा 10⁻¹⁵, है कि नहीं?
तो इतना मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर इसको अच्छे से अरेंज करे और 2. समथिंग में अगर इसकी वैल्यू लिखे, तो बच्चों में इसको 2.512 इंटू 10^10, क्योंकि 3 शिफ्ट किए ना, तो इंटू 10^-3 टेस्ला भी लिख सकता हूं, सॉरी -2 टेस्ला, 3 शिफ्ट किया ना तो -2 टेस्ला भी लिख सकता हूं. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ दिस सोलेनोइड. ठीक है, तो यहां पर ट्विस्ट क्या था, फॉर्मूला तो सीधा अप्लाई करना है, ट्विस्ट यही था कि यहां पर एक लेयर नहीं है, यहां पे ऐसे 5 लेयर दिए गए हैं. ठीक है, एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे 5 लेयर यहां पे दिए गए हैं. यस और नो? तो यहां पे 5 लेयर थे, बस इतना ही यहां पे थोड़ा सा वो ट्विस्ट था, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है. बस मॉल इन कंप्यूट कर लो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यहां पे 5 लेयर है तो मल्टीप्लाई बाई 5 भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेयर में 400 टर्न्स है. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9. क्वेश्चन नंबर 4.9, देखो क्या बोला है. A square coil of a side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes the angle of 30 degree. देखो, normal to the plane of the coil. Plane का normal. ध्यान से देखना, coil के plane का normal वो तो area vector होता है. Yes or no? मतलब कि यहाँ पे area vector, यहाँ पे field के साथ 30 degree का angle बना रहा है, ऐसा आपको दिया गया है. The direction of a uniform horizontal magnetic field of a magnitude 0.80 tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टॉर्क का तो एक ही फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है. यस और नो? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? किसी भी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके मैग्नीट्यूड से पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म है कि नहीं. अगर वेरिएबल होता तो यहाँ पे 0.80 मल्टीप्लाई बाय सम वेरिएबल होता. यस और नो? यही उसकी पहचान होती है. ये अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यस नो? आप किसी कॉइल को, ऐसी कॉइल की जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है, मान लो कि वो स्क्वायर कॉइल, ऐसे बोला ही गया है वैसे तो कि स्क्वायर कॉइल है, वो 10 सेंटीमीटर की है, उसके ऊपर टोटल उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 20 टर्न्स है. ऐसी कॉइल में से 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. अभी आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे जो बोला है ना, इसका मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड वर्टिकली एंडी एंडी, यहां से देखो, द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. इसका मैं मीनिंग क्या निकालू? इसका मीनिंग बच्चों ये निकलता है कि भैया ये जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब है एरिया वेक्टर. कॉइल के एरिया के नॉर्मल, कॉइल के प्लेन के नॉर्मल क्या हो सकता है? उसका एरिया वेक्टर हो सकता है. तो यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना है, 30 डिग्री है. यस नो? मतलब कि वो सीधा थीटा यहां पे दिया गया है, तो फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है. यहां पे फॉर्मूला सीधा आपको अप्लाई करना है. यस नो? मतलब टॉर्क कितना होता है, हमें पता है टॉर्क कितना होता है, BINA या फिर NIAB, जो जैसे आपने याद रखा हो उसको उस तरह से लिख सकते हो, NIAB साइन थीटा. यस नो? यही तो टॉर्क का फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर. यहाँ वहां पे रेक्टेंगुलर हमने देखा था, यहाँ पे स्क्वायर लूप है. भैया हमने निकाला था ना, उसका फॉर्मूला निकाला था, टॉर्क कितना लगता है किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, NIAB साइन थीटा के बराबर. वहीं से तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किए थे. भाई याद करो वो दिन कितने सुहाने थे. यस और नो? लेकिन वो दिन भी बीत चुके हैं, क्या करें अभी. तो यहाँ पे एरिया वेक्टर NB, ये दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा. और वही तो बोले हैं यहाँ पे, सीधा आपको एरिया वेक्टर ऐसा बोला नहीं है, आपको बोला है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल मेक्स एन एंगल. भैया वही तो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री. ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड है. फुद्दू सा क्वेश्चन है, एक मार्क्स में पूछ सकते हैं. यस और नो? देखो मैग्नेटिज्म ना जितना, मतलब कि वो समझने के लिए टिपिकल होता है ना, उतना ही उसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं. मतलब कुछ होता नहीं है, सीधा वहां पे फॉर्मूला में ही वैल्यू प्लेस करनी होती है, ज्यादा सोचने की आती ही नहीं वहां पे बात. थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स में थोड़ा ऐसे कंफ्यूज करके रख देते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग. ठीक है, चलो फिर भी यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं. तो यहाँ पे देखो एरिया निकालना है, स्क्वायर लूप है कि नहीं, स्क्वायर लूप है तो एरिया निकालना है.
लेंथ कितने, स्क्वायर लूप का भैया एरिया कितना होता है, मैं सारी चीजें लिखता हूं उसके बाद वैल्यू प्लेस करूंगा। स्क्वायर लूप का एरिया कितना होता है, लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने एरिया को क्या लिखा, लेंथ का स्क्वायर, यस और नो, इंटू बी इंटू साइन थीटा। अभी सारी वैल्यू प्लेस करो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए, 20 टर्न्स, तो एन इज इक्वल टू 20। आई कितना करंट फ्लो कर रहा है यहां से, 12 एम्पियर का, कितना है 12 एम्पियर का, तो आई की वैल्यू प्लेस करें 12। लेंथ कितनी है यहां पे, साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 होगा, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो भैया 0.80 है, यस और नो, 0.80 है। उसके बाद आगे बढ़ो, और ये क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वो तो निकालना है, थीटा, हाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। सारी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करो, सीधा मल्टीप्लीकेशन ही करना है, तो सीधा आपके पास कैलसी है, कैलसी उठाओ, मल्टीप्लीकेशन करते बनो, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.80 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.96, दैट इज द आंसर, ठीक है। सीधा सा आंसर 0.96। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस टॉर्क, यस और नो, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। सिंपल सा भैया फॉर्मूला ही लगाना है, हमें पता है रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगता है, तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना है भाई, डेरिवेशन करके क्या करोगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ, यस और नो, क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लूप दी गई है, वहां पे रेक्टेंगल थी जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था, यहाँ पे स्क्वायर लूप है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लल्लू टाइप क्वेश्चन है, अभी मैं क्या करूं, 4 पॉइंट यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ आ जाओ भाई यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4.10, टू मूविंग कॉइल मीटर्स, मतलब कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, इसको गैल्वेनोमीटर कंसीडर कर लो, ठीक है। टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, पहला गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे 30, एरिया है उसका 3.7 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और उसको वहां पे जो दो मैग्नेट यूज हुए सिलिंड्रिकल मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो 0.25 टेस्ला है। दूसरा जो मीटर है उसका रेजिस्टेंस है 14 ओम, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे 42 है, एरिया उसका 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, एंड वहां पे जो दो मैग्नेट यूज हुए उसका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो है 0.50, ठीक है, वो है 0.50, क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई, अभी आपको बोला क्या, ध्यान से देखो, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मीटर टू बाई मीटर वन, मीटर टू एंड मीटर वन का आपको करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है एंड फर्दर वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि भाई करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है क्या, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है क्या, यस और नो। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर में हमने कल के लेक्चर में देखा था करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसको डिनोट किया जाता है फाई बाई आई से, और वो क्या होता है, कितना होता है, वो बी एन ए डिवाइड बाई के बराबर होता है, वो बी एन ए डिवाइड बाय के बराबर होता है, यस और नो, क्लियर है। हाँ, और बच्चों एक और चीज, हाँ आप हमारा शायद पिछले दो लेक्चर से हमारी जो थियरी जो मैंने देनी होती है मुझे, वो मैंने प्रोवाइड नहीं की है, काफी सारे दो तीन बच्चों का मुझे मैसेज भी आता है कि सर वो थियरी हमें प्रोवाइड कर दो। बच्चों इसलिए मैंने नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि राइट नाउ योर मॉडल टेस्ट इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो आप उसमें बिजी हो, तो थियरी अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं आपको अभी भी प्रोवाइड करूं ना तो भी आप क्या करोगे उसको, अभी तो लिखने वाले हो नहीं, आपका पूरा फोकस मॉडल टेस्ट के ऊपर होगा, यस और नो। तो जैसे ही वो खत्म हो जाती है ना उसके बाद मैं आपको सेंड कर देता हूं, या फिर ये संडे को मैं सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको संडे का टाइम अगर रहेगा तो आप वहां पर टाइम निकाल के लिख सकते हो। आई होप कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी मॉडल टेस्ट, तो अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो
तो उसी के लिए मैंने अभी आपको थियरी प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है? जैसे खत्म होती है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? साथ में लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी पूरा फोकस आपका टेस्ट के ऊपर रखो, ठीक है? और अगर फिर भी आपको लिखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप लाइव चैट में लिख दो कि नहीं सर प्रोवाइड कर दो, तो फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो अगर इफ यू वांट कि मैं आपको जल्दी से अभी से थियरी प्रोवाइड कर दूं, आपके पास टाइम बचता है मॉडल टेस्ट की प्रिपरेशन के बाद भी, तो मैं आपको सेंड कर देता हूं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर वो फिर एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यस और नो? तो अगर आपको ऐसा नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जस्ट लाइव चैट में लिख दो कि सर भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है? इफ यू सेंड इट तो फिर मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़े। क्या करंट सेंसिटिविटी ये होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करो, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती क्या थी भैया, फाइव बाई वी होती थी, याद आया कुछ, फाइव बाई वी। लेकिन यही वी इज इक्वल टू आई आर प्लेस करें तो ये हो जाता था फाइव बाई आई बटे आर, यस और नो? और ये हो जाता था बी एन ए डिवाइड बाय के टाइम्स वन अपॉन आर, ऐसा कुछ हमने लिखा था, याद आया कुछ, ऐसा कुछ हमने लिखा था वोल्टेज सेंसिटिविटी में, यस और नो? यहां पे दो मीटर दिए गए, दोनों मीटर का आपको करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालने को बोला गया है, यस और नो? दोनों का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालने को बोला गया है, यस और नो? तो मान लो कि मैं जो पहला मीटर है ना उसकी सेंसिटिविटी को मान लो कि हम S से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं S से, अगर करंट सेंसिटिविटी है तो हम इसको SI से डिनोट करते हैं, अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो उसको SV से डिनोट करते हैं, ताकि हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, यस और नो? क्योंकि बार बार ये 5 by I, 5 by I नहीं लिखेंगे, हमें मीटर टू का और मीटर वन का रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का साथ में वोल्टेज सेंसिटिविटी का, यस और नो? तो यहां पे हम क्या करेंगे, SI का मतलब एक नोटेशन यूज करते हैं, SI का मतलब होता है करंट सेंसिटिविटी, SV का मतलब होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, SI1 लिखूं तो पहले मीटर की करंट सेंसिटिविटी, SI2 लिखूं तो दूसरे मीटर की करंट सेंसिटिविटी, क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो तो आगे बढ़े क्या, ठीक है। तो अभी इसका रेशियो निकालना है और यहां पे आपको बोला द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर टू मीटर्स, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, दोनों केस में सेम स्प्रिंग यहां पे प्रोवाइड की गई है, स्प्रिंग का जो टॉर्शनल कॉन्स्टेंट होगा ना दैट के इज सेम फॉर बोथ द केसेस, तो दोनों केस के लिए अगर के सेम है तो भैया यहां पे बचा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बस यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, बात खत्म, इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है, यस नो? तो हमें रेशियो निकालना है दूसरे मीटर डिवाइड बाय पहले मीटर, तो पहले करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालते हैं, SI2 डिवाइड बाय SI1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SI2, दूसरे मीटर की करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है, हम कितनी लिख सकते हैं, तो भैया B2 into N2 into A2 divide by K, दोनों के लिए कांस्टेंट है तो यहां पे K2 लिखने का जरूरत नहीं है, SI1 कितना है तो भैया B1 into N1 into A1 divide by K, K ने K को मार दिया तो बच्चों बचा क्या यहां पे B2 into N2 into A2, छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है आसानी से, करना कुछ भी नहीं, यहां पे सारी वैल्यू प्लेस करनी है, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है भाई, यस और नो? चलिए तो यहां पे वैल्यू को प्लेस कर दो ना भाई, वैल्यू प्लेस कर दो, हाँ भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2 दिएला है 0.50, N2 कितना दिएला है 42, A2 कितना दिएला है 1.8 × 10⁻³, सारा मीटर में ही है ना, मीटर में ही है, अच्छा सारी चीजें मीटर में है। चलो तो नीचे B1 कितना है, B1 है 0.25 टकला, हम तो टेस्ला बोले आप क्या सुने, N1 कितना है 30, एरिया 1 कितना है 3.6 × 10⁻³, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, पहले तो इसको ही कैंसिल कर देते, बाकी सारी जो चीजें बची मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, तो भैया न्यूमरेटर में आपके पास कैल्सियम 0.50 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो ये निकल के आया मेरे पास 37.8, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या निकल के आएगा, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो वहां पे परफेक्ट 27 निकल के आया मेरे पास,
मुझे इन दोनों का डिवीजन करना है, तो जैसे मैं इनका डिवीजन करता हूं 37.8 डिवाइड बाय 27 करता हूं, तो बच्चों मेरे पास आता है 1.4। इज इट करेक्ट? आप खुद भी वेरीफाई कर लीजिएगा, तो आंसर आया मेरे पास 1.4। ठीक है, तो ये रेशियो कितना निकला, 1.4 के बराबर। अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड मीटर डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर, इट इज इक्वल्स टू, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखो ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगेगा, है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये लगाएंगे तो यहां पे मेरे पास निकल के आता है B2 इंटू N2 इंटू A2 डिवाइड बाय K टाइम्स 1/R2। दोनों के रेजिस्टेंस बच्चों सेम नहीं है, अलग है, ये सुनो, इसीलिए इसको अलग से लिखना पड़ेगा। और यहां पे B1 इंटू N1 इंटू A1 डिवाइड बाय K टाइम्स 1/R1। अभी देखो ये के तो कैंसल हो गया, बाकी जो ये रेशियो बचा ना, ये तो हमने कॉम्प्यूट कर दिया है, दैट इज 1.4, तो इसको तो मैं सीधा 1.4 लिखता हूं। रही बात ये रेजिस्टेंस के रेशियो की, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, वो चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया R1/R2। बाकी का तो 1.4 हमने कॉम्प्यूट कर लिया है ना, तो उसको ऐसे ही एज इट इज प्लेस करते, तो ये R1 का वैल्यू कितना है बच्चों, R1 का वैल्यू आपको 10 प्रोवाइडेड है डिवाइड बाय, R2 का वैल्यू कितना है, तो R2 का वैल्यू आपको 14 प्रोवाइडेड है। ओहो, सीधा कैंसिल हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 14 आएगा कितना, 1 आएगा कितना, 1। तो ये रेशियो कितना निकला, 1 बराबर, यस और नो, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, वैल्यू ही प्लेस करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें, क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.11। इन ए चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 कैपिटल जी, जहां पे ये 1G इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला है, ऐसा आपको बोला है, इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8×10^6 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द फील्ड। ये नोट डाउन करो, नॉर्मल टू द फील्ड। जब भी बच्चों आप किसी इलेक्ट्रॉन या चार्ज को किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, कैसे पता लगा मुझे यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नीट्यूड को देख के, यस और नो, तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आप अगर परपेंडिकुलर नॉर्मल एंटर करवाते हो, 90 डिग्री पे एंटर करवाते हो, वो फील्ड की चाहत क्या होती है, अगर आप इसको नॉर्मल एंटर करवाते हो तो वो फील्ड उसको सर्कल में घुमाएगा। याद करो वो दिन जब हम ये पढ़े थे, हमें ये पता है कि अगर चार्ज परपेंडिकुलर एंटर होता है तो हमेशा फील्ड उसको सर्कल में घुमाता है, यस और नो, क्लियर है? तो एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल। देखो यहां पे मैं ये चीज यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको थियरी में अलग से पूरा केस वहां पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, यस और नो, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दिया था कि क्यों वो सर्कल बनेगा। याद करो ऐसा कुछ हमने नोट डाउन किया था कि मान लो कि अगर एक फील्ड इनसाइड है, अगर आप मान लो कि एक फील्ड इनसाइड है, जैसे कि यहां पे फटाक से आपको बता देता हूं, ठीक है, वैसे तो पूरा लेक्चर हमने इसका अलग से बनाया था, ठीक है, 3 केस देखे थे हमने, पैरेलल एंटर करवाए, परपेंडिकुलर एंटर करवाए या फिर एंगल पे, तो 3 केस देखे थे, उसमें से जो सेकंड वाला केस है ना कि जब भी परपेंडिकुलर एंटर करते तो क्या होता है, यस नो, तो याद करो वो दिन जब हमने आपको समझाया था कि मान लो कि किसी चार्ज को ना मैं ये फील्ड कहां पे इनसाइड, फील्ड इनसाइड है, यस नो, और आप यहां पे किसी इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी चार्ज को, मान लो कि मैं एक पॉजिटिव, अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करता हूं, मान लो कि मैं किसी एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को एंटर करवाता हूं, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड पाम रूल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लेफ्ट हैंड पाम रूल आपको अप्लाई करना है। तो अगर मैं ये फील्ड के परपेंडिकुलर इसको वेलोसिटी देता हूं, ध्यान से देखो फील्ड इनसाइड है और वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, फील्ड जेड डायरेक्शन में, इनसाइड वाला फील्ड है, तो 90 डिग्री पे हमने इसको एंटर करवाया, तो होगा क्या, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। आप अपना राइट हैंड उठाओ क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो, राइट हैंड उठाओ, फिंगर्स को आपको रखना है फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपका जो स्क्रीन है ना जहां पे आप ये क्वेश्चन को देख रहे हो उसकी अंदर वाली डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स को रखो, और ये आपका थंब जो भी है ना वो ये चार्ज की डायरेक्शन में रखो, तो आपको जो पाम होगी ना वो ऊपर की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, यस और नो, ऊपर की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, मतलब कि वो ये डायरेक्शन में उसको मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा।
तो मतलब कि ये चार्ज है ना वो यहाँ पे ऐसे घूम जाएगा। या सुनो, मान लो यहाँ पे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पे अगर मैं नोट डाउन करना चाहूं तो इसके ऊपर क्या होगा? तो देखो फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है और फील्ड इनसाइड है। जैसे ही आप यहाँ पे आप लगाना कोशिश करोगे यहाँ पे आपका राइट हैंड पाम रूल, तो फिंगर्स सॉरी आपका जो थम है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाओ और ये जो फिंगर्स है वो अंदर की डायरेक्शन में, तो आपकी जो पाम है ना वो लेफ्ट हैंड साइड का इशारा करेगी, मतलब कि यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन में लगे। तो लाइक वाइज दिस अगर आप देखते जाओगे तो ये पाथ धीरे 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 हर एक जगह पे आप ये लगा सकते हो, तो आपको ये सर्कल जैसा नजर आएगा। यस सुनो, एक सर्कल जैसा नजर आएगा, क्लियर है? यस सुनो, और ये हमने केस नंबर 2 में पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर आपको नहीं पता है तो वहां पे जाके वीडियो देख लो एक बार। यस सुनो, तो इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने एज ए थियरी इसको एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें वहां पे डेरिवेशन वगैरह लगा लिए है। यस सुनो, तो इसका आंसर आपको वो लेक्चर में से मिल जाएगा, ठीक है? फिर भी मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। तो हमें जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यस और नो? चलिए, तो और ये भी आपको पता होगा शायद कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये FM, वो एक किसी वर्चुअल सेंटर की ओर इशारा कर रहा है। देखो यहाँ पे भी वो ये सेंटर पे, यहाँ पे वो ये सेंटर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको फोर्स ये सेंटर के, किसी एक वर्चुअल सेंटर की ओर आपको इशारा करेगा, मतलब कि यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, मतलब कि एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। यस नो, यही मैग्नेटिक फोर्स एमवी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। ये कुछ डेरिवेशन भी किए थे, वहां से रेडियस कितनी आती है वो सर्कुलर पाथ की, वो भी हमने कैलकुलेट किया था, याद करो वो लेक्चर, ठीक है? चलो, तो वहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थियरी में देख चुके हैं। यस नो, तो वापस उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, तो हम सीधा अभी यहाँ पे रेडियस वगैरह कैलकुलेट करने को जो बोला है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर है? चलो, तो डिटरमाइन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट। बच्चों, रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट की कितनी होगी, क्या आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि यहां पे जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आपको ये तो पता है कि ये वाले केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो एम वी स्क्वेयर बाय आर के बराबर होगा। मान लो कि वो रेडियस स्मॉल आर है, वो जो पाथ बनेगा उसकी रेडियस है स्मॉल आर, और क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर से डिनोट कर दिया है। यस सुनो, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। अभी किसी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग सकता है, तो क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर, जहां पे ये वेलोसिटी वो परपेंडिकुलर है, क्यू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चार्ज को ना परपेंडिकुलर एंटर करवाया है मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, इसलिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल मैंने रखा है। यस नो, वेलोसिटी में, तो ये हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। बच्चों, एक वी परपेंडिकुलर इसके साथ कैंसिल हो गई, मुझे तो निकालना है आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम v perpendicular divide by sin 90 तो हो गया 1 divide by qb, और याद करो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे derive भी किया था कि mv by qb, radius कितनी होती है mv by qb के बराबर। Now what is the mass, ये जो m है कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, तो ये लिखूंगा मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? इसको मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? और उसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है? उसका मास कितना, 9.1 × 10⁻³¹ kg, तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, तो ये वाली परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी प्रोवाइडेड है। अच्छा, फील्ड कितना है, कांस्टेंट फील्ड, वो भी प्रोवाइडेड है, सारी चीजें प्रोवाइडेड है, तो सारी चीजों को यहाँ पे प्लेस कर दो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹, परपेंडिकुलर वेलोसिटी दैट इज 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, चार्ज चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो भैया 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, क्लियर है? इतनी चीजें आपको प्रोवाइडेड है, तो यहां पे पावर वगैरह को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और इसका रेशियो वगैरह जो भी मल्टीप्लीकेशन डिविजन करना है उसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर 9.1 × 4.8, तो न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास 43.68, आपके पास कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 43.68 × 10⁻³, देखो 31 में से 6 निकल जाएंगे तो −25 बचेगा, डिवाइड बाय यहां पे 1.6 × 6.5, तो ये हो जाएगा 10.4
इंटू 10 to the power 19 and 4, तो कितना हो जाएगा 10 to the power -23 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको अभी 43.68 को अगर मैं डिवाइड करूं 10.4 से तो मेरे पास आ जाएगा 4.2। तो बच्चों यहां पे मेरे पास ये बचा 4.2 और 10.23 -23 न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -25 +23 कितना हो जाएगा 10 to the power -2, तो ये हो जाएगा 10 to the power -2 मीटर। तो इतनी रेडियस बनेगी ये इलेक्ट्रॉन के पाथ की, इतनी रेडियस बनेगी ये इलेक्ट्रॉन के पाथ की। ठीक है, तो इसका जो सर्कुलर लूप बनेगा ना, जिस सर्कल पे वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिस सर्कल पे उसको घुमाएगा, उसकी रेडियस इतनी होगी। क्लियर है? क्लियर है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4.12। इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। मतलब कि यही क्वेश्चन के अंदर, यही क्वेश्चन मतलब कि आगे वाला जो क्वेश्चन हमने देखा ना, उसी क्वेश्चन में अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालने को बोले तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी वो हमें निकालना है। मतलब कि यही वाला पॉइंट, यही वाली सारी वैल्यूज वगैरह, यही वाले केस के लिए हमें सारी चीजें यहाँ पे निकालनी है। यस और नो? तो एक काम करते हैं, यहीं पे बाजू में ही सॉल्व कर लेता हूं मैं इसको, उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए बाजू में ही, यहाँ पे मेरे पास जगह है तो यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। नहीं सर, वहां पे करो ना। ठीक है चलो, तो वहां पे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं तो देखो यहाँ पे मुझे रेडियस का फॉर्मूला क्या मिला, रेडियस का फॉर्मूला मिला एमवी अपॉन क्यूबी। ठीक है, मिला आपको एमवी अपॉन क्यूबी, तो आर इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी। क्या बच्चों ये जो वी परपेंडिकुलर है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है? क्या वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है? जी हाँ, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। ये सुनो, अगर वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो कहीं पे भी वो जहां पे है वहां पे जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वही यहां पे हम हमारी ये वी होती है। ये सुनो, टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो उसको अगर मैं एंगुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करो तो क्या मैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूं? जी बिल्कुल, आप इसको आर ओमेगा लिख सकते हो। सो इसको मैं लिखूंगा आर इंटू ओमेगा डिवाइड बाय क्यू बी। तो आप यहां पे समझ सकते हो यहां से आर आर कैंसल हो जाएगा, तो बचा क्या, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं ओमेगा की वैल्यू बना देता हूं, उसको सब्जेक्ट बना देता हूं, तो मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन एम। So I am getting this QB upon M. Now what is the value of this omega? Omega can be written as 2 pi F. Omega can be written as 2 pi F. We have already calculated this everything. We already derived this formula of frequency also at that point. Yes or no? So frequency aayegi 2 pi F ke barabar into QB upon M. So we can say that the frequency will be QB upon 2 pi M. So this is the frequency. अभी सारी वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो, सारी वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इनटू 10 to the power -19 कूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना था वहां पे, 6.5 इनटू 10 to the power -4, शायद वही था, हाँ 6.5 इनटू 10 to the power -4। सो इट इज 6.5 इनटू 10 to the power -4 डिवाइड बाय 2 pi, 2 into 3.14 into, this m is nothing but mass of electron because we are rotating, revolving that mass into that particular circular orbit. हम नहीं घुमा रहे, वो अपने आप घूम रहा है, because we have provided the velocity which is perpendicular to that particular field. Yes or no? So that's why that field is allowed this charge to move into the circular orbit. तो फील्ड की वजह से वो घूम रहा है, हमें क्या लेना देना है? तो mass of electron जो होता है 9.1 into 10 to the power -31। तो यहाँ पे भी सारी चीजें वो वगैरह पॉइंट वगैरह वो सब देख लेते हैं, उसका डिवीजन वगैरह कर लेते हैं। चलो तो पहले तो क्या करते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6.5, तो 10.04 आएगा, वो तो पता है वहां पे डिनोमिनेटर पूरा, हाँ डिटो यहाँ पे है, उसको डिवाइड करना है पहले 2 से, डिवाइड किया उसको और डिवाइड करते हो 3.14 से, उसको और डिवाइड करो 9.1 से, तो फाइनली आई एम गेटिंग 0.1819 इंटू 10 to the power। देखो 19 and 4 23 हो जाएगा, 19 and 4 23 हो जाएगा, तो ये हो गया -23, और डिनोमिनेटर में जो 10 to the power -31 है उसको न्यूमरेटर में लेके आते तो +31 हो जाएगा। तो बचा कितना, 7 and 1 मतलब कि टोटल 8 बचेगा।
31 में से ये निकल जाएंगे तो टोटल 8 बचेंगे, ठीक है, टोटल 8 बचे। हाँ जी, तो मैं इसको अगर एक पॉइंट के साथ शिफ्ट करके लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा 1.81 या फिर 819 × 10^10। एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 8 में से एक निकल जाएगा तो 10^7 हर्ट्ज। सो इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी, इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अभी इसमें और एक क्वेश्चन भी पूछा है, देखो, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या ये आंसर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा? सोचो, क्या ये आंसर इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा? तो भैया ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिला हमें, उसको देख के आप नहीं बता सकते कि क्या वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। खुद सोचो और खुद इसका आंसर दो, क्या डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। वैसे तो थियरी में हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आप सोचो, आप सोचो, आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया, QB/2πME के बराबर। अभी इसी के ऊपर से अपना आंसर देने की कोशिश करो कि क्या इज इट डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सोचो और खुद आंसर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 4.13 क्वेश्चन नंबर 4.13 लास्ट क्वेश्चन। सर्कुलर कॉइल ऑफ, दो क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही बढ़िया, दो क्वेश्चन पूछे हैं। सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पीयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नीट्यूड 1.0 टेस्ला। द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ए नॉर्मल ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। मतलब कि हमें इतना तो समझ में आता है कि किसी भी लूप को अगर आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, सर आपको कैसे पता ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? देखो बच्चों, 1.0 टेस्ला का मतलब क्या निकालो, ये फिक्स मैग्नीट्यूड है, मतलब कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। अगर वो वेरिएबल होता तो यहाँ पे 1.0 मल्टीप्लाई बाय सम वेरिएबल ऐसा कुछ वैल्यू आता, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है तो कहीं ना कहीं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यस और नो? तो अब यहां से मुझे पता लगा, यस और नो, और आप भी पता लगा सकते हो। तो किसी भी लूप को अगर हम किसी ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, तो उसकी वजह से वो टॉर्क में कन्वर्ट होता है और वो टॉर्क लगता है, मतलब कि वो रोटेट होना स्टार्ट करती है। सीधी सी बात है, यस सुनो। अभी सोचो, मान लो कि मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर लेट्स से एक्स जितना टॉर्क लग रहा है, किसी कॉइल के ऊपर एक्स जितना टॉर्क लग रहा है, तो उसको रोटेट ना होने देने के लिए, उसके ऊपर टॉर्क को, टॉर्क की इफेक्ट ना लाने के लिए मुझे उतने ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है। यस और नो? सीधी सी बात है ना, मुझे काउंटर टॉर्क कितना देना पड़ेगा। मैंने बोला कि उसके ऊपर एक्स जितना टॉर्क लगता है, मान लो उसके ऊपर एक्स न्यूटन इंटू मीटर जितना टॉर्क लग रहा है, तो उसको रोटेट ना होने देने के लिए मुझे काउंटर टॉर्क भी कितना देना पड़ेगा, उतना ही। तभी तो दोनों आपस में कैंसल हो सकते हैं ना, यस और नो? तो यहां पे पूछा है काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क कितना लगाना है, तो मैं बोलूंगा कि काउंटर टॉर्क उतना लगाना पड़ेगा जितना वो फील्ड वो वाली कॉइल के ऊपर टॉर्क लगाएगी, यस और नो? तो मेरे लिए तो अगर मैं क्वेश्चन एक का आंसर देना चाहूं तो मुझे तो काउंटर टॉर्क बोला है ना, लेकिन काउंटर टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर, फील्ड के द्वारा लगने वाले टॉर्क के बराबर। सीधी सी बात है, जितना फील्ड लगाएगा उतना ही काउंटर टॉर्क मुझे लगाना पड़ेगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे काउंटर टॉर्क की वैल्यू पूछिए, काउंटर टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, तो भैया जितना फील्ड टॉर्क लगाएगा उस कॉइल के ऊपर उतना, और फील्ड कितना टॉर्क लगाते हैं किसी भी कॉइल के ऊपर, तो NIAB sin θ के बराबर, sin θ के बराबर, जहां पे n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, ए एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एंड थीटा एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड है। यस और नो? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्रोवाइडेड है, 30। आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो यहां पे प्रोवाइडेड है 6 एम्पियर। एरिया कितना है, तो भैया ये सर्कुलर लूप है ना, तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो 1 टेस्ला। थीटा कितना बना रही है उसका फील्ड, उसका जो मतलब कि वो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो यहां पे बोला है आपको 60 डिग्री। यहां पे देखो 60 डिग्री एंगल प्रोवाइडेड है, सो ये हो जाएगा साइन 60, है कि नहीं, साइन 60 डिग्री।
तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, सारी वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 30 × 6 × π की वैल्यू है 3.14। रेडियस, रेडियस 8 सेंटीमीटर की रेडियस है, मतलब कि 0.08 मीटर की उसकी रेडियस है, तो इसको हम लिखेंगे 0.08 का स्क्वायर इंटू sin 60 कितना होता है, तो बच्चों √3/2 होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो अभी अगर इसको हम सॉल्व करें तो बच्चों मेरे पास क्या आंसर आएगा, यू हैव दी कैलसी, तो आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हो। सो 30 × 6 × 3.14 × 0.08 × 0.08, 2 बार स्क्वायर है इसलिए, मल्टीप्लाई बाय √3 को हम लिखेंगे 1.73, ठीक है, डिवाइड बाय, ये जो आंसर आया डिवाइड बाय हमें 2 भी करना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.128, ठीक है। सो हमारे पास ये आंसर क्या आया, 3.1289 न्यूटन इनटू मीटर। तो इतना काउंटर टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा अगर उसको रोटेट नहीं होने देना है तो, ठीक है। बी क्वेश्चन का आंसर क्या है, अभी बी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, देखो, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वर रिप्लेस बाय ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इररेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया, ऑल द अदर पर्टिकुलर्स आर आल्सो अनअल्टर्ड। मतलब कि अगर अगर यहां पे सर्कुलर लूप की जगह पे यहां पे कोई प्लानर कॉइल, कोई एक प्लेनर कॉइल यहां पे लगा दीजिए जिसका शेप इररेगुलर हो, लेकिन उतना ही एरिया कवर कर रही हो, मतलब कि जितना एरिया ये सर्कुलर कॉइल का है उतना ही एरिया कवर कर रही हो, तो क्या यहां पे थोड़ी लूप चेंज करना चाहिए, दूसरी लूप लेने से जिसका शेप इररेगुलर है लेकिन एरिया उतना ही कवर कर रही है, तो क्या यहां पे आंसर चेंज होगा। तो बच्चों फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एज इट इज है, यहाँ पे बोला है बाकी जितनी चीजें वो चेंज नहीं हो कर रहे हैं, वो बाकी चीजें एज इट इज है, तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो गए, करंट का फ्लो भी चेंज नहीं होगा, बी भी चेंज नहीं होगा, एंगल भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एरिया, क्या एरिया चेंज हुआ भाई, कॉइल चेंज हुई लेकिन एरिया तो उतना ही कवर गया, तो एरिया भी चेंज नहीं हुआ, अगर एरिया भी चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर मैं सीधा दूंगा नो चेंज, नो चेंज इन काउंटर टॉर्क, नो चेंज इन काउंटर टॉर्क, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन काउंटर टॉर्क, कॉइल चेंज किए लेकिन उसका एरिया चेंज नहीं हुआ ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर बच्चों एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारी जो बाकी के एग्जाम्पल है उसको खत्म करेंगे और ये चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देट एंजॉय योर डे, बाय बाय।